सलाम, आदाब सस्त्री एकाल, वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। आई साहब, हम बिरहा गायिका सीमा सरगम, हमरा आवाज में रउआ सब लोग बड़ा ही कांड सुनीला, औरी औरी बिरहा रउआ सब लोगन के बीच में भेजीला, हार बिरहा के रउआ सब लोग प्यार दुलार देहीला। एगो बिरहा रउआ सब लोगन के बीच में लेके आइल बनी, एमे कांड कभी मजा मिल जाई, हास रस कभी मजा मिल जाई, सीधा सीधा रौद रस कभी मजा मिल जाई। आई बिरहा में कवि जी चार लाइन का भूमिका लिखला ना भैया, कैसे ब्योग डगमग हुआ इस महापाप से, धर्म पर आज अधर्म का पहरा हुआ, धर्म निरपेक्ष भारत कलंकित बना, संस्कृत पर जखम आज गहरा बना, राम का नाम जपते बगल में छुरी, अरे संत ऐसे हुए इस कली काल में, राम निवास रहना संभल कर जरा, ए फसाते सभी को महाजाल में, साधु संतन से पहले का साधु संत कैसन रहलन, आज का साधु संत कैसन हो गई। बिरहा में एगो गजल का टुकड़ा लगल मास्टर साहब, कैसे पहले का गवैया लोग गा के चल गई लन, आज भी वही सही रस्टप केला, कैसे अरे लड़कियां जब से, अरे लड़कियां जब से साइकिल चलाने लगी, तब से आगे का डंडा खत्म हो गया, लड़कियां जब से से आगे का डंडा खत्म हो गवा, ए मास्टर साहब, जब से बुढ़िया लिपस्टिक लगाने लगी, तब से बुढ़ऊ का माथा गरम हो गवा, तब से बुढ़ऊ के सब लोगन के मजा बदे कह दिए ली हम। आज कन्नौ ही अबुढ़िया में कोनो फरक नहीं बा, लेकिन बिरहा में कवि जी संकेत करत हुन का है आज का साधु संत कैसन हुन। पहले का साधु संत अपने आन बान शान खातिर, अपने धर्म खातिर मोर मिट जात रहलन, लेकिन आजकल का साधु कैसन हुन है भैया। संत है कुछ जमाने के अंदर, संत है कुछ जमाने के अंदर, राम नामी दुपट्टा लगाते,
नामी दुपट्टा लगाते साथियों इनसे बचकर तू रहे ना, साथियों इनसे बचकर तू रहे ना, काम इनका सभी को फंसाते। कि पहले का साधु संत कैसन रहलन, आज का साधु संत कैसन हो गई लोन। ए भैया, आज का कुछ साधु संत ऐसन होवन कि केवल ढोंग रचावत होवन, खाली टीका चंदनधारी को लेत होवन। अरे वाह, वो का करे खातिर करत होवन? वाह, रुपया खातिर? वाह, नाम खातिर? लेकिन मनवा में कुछ औरी बा। मनवा तो मनवा में उनके दिनवा का राम राम रतिया का काम काम। ई भैया सही कलन हो। बिरहा में नाजम का लाइन लगल, बिरहा का कहानी शुरुआत हो गई भैया। बल्कि ये हकीकत कहानी, धर्म स्थली मथुरा की सरजमी पे एक भगवान कृष्ण का मंदिर था, उसी पर एक साधु रहा करता था। धीरे धीरे उस साधु बाबा इतना नामी हो गईलन कि उनके यहाँ तमाम चेलन का भीड़ लग गई। ए भैया, प्रतिदिन उस साधु अपने चेलन के लियाए के आगे आगे, साधु बाबा पीछे पीछे चेला। रोज सुबह का नहा धोई के चंदन टीका कोई के आ रोज निकल जा गांव की ओरी। उनकर देखावटी तो औरी रहे लेकिन दिल में कुछ औरी रहे सुरेंद्र भैया। ए भैया, आखिर में एक दिन साधु बाबा कैलो न का बिरह में पहली गीत लग गई भैया। हाय हाय हाय, ई कोनो भौजाई अपने देवर से कहले रहे कि हाथ जोड़ी परत बानी, अरे हाथ जोड़ी परत बानी, अरे हमके मंगाई हो देबा, अरे हमके सियाई हो देबा, सूट सलवार देवरू हमके सियाई हो देबा। लेकिन बिरहा में कभी जी संकेत कैलन का, अरे घूमत घूमत गैलन, अरे गौआ मझार साधु, घूमत घूमत गैलन, गौआ मझार साधु, हम भिखिया मांग
सबसे भिखिया मांगे ले सबसे झोलिया पसार साधु भिखिया मांगे ले सबसे झोलिया पसार साधु बाबा का जतना चेला चपाट हुआ कुल पीछे पीछे रुरुही लगल हो भीड़ लगल बा जात हुआ साधु बाबा आगे आगे लेकिन एगो घरे गइलन हो आ जब घरे गइलन हो तो देखी वो घरवा में से एगो लड़की निकरल आ जब लड़की निकरल तब भइल का कन्या एक कलिंदा ऊपर पड़ल नयान नजर पड़ल कहा नजर पड़ल एगो लड़की बा घरवा में से निकलत बा जहां भिक्षा मांगे जात हुन नाम बा वो लड़की का कलिंदा आ कलिंदा देखे में इतनी खूबसूरत रहे इतनी खूबसूरत रहे कि साधु बाबा देखल तो वो लड़किया के देख के मोहित हो गइलन जाके दरवाजे पे खड़ा भइलन कलन ने बेटी घर में कुछ होके तो लिया के ए साधु के भिक्षा दे दा ए भैया आखिर में साधु बाबा भिक्षा तो मांगत हुए लेकिन दिल में कुछ और ही बा विराम एक थे गीत लग गई भैया भिक्षा मंगल कालिंदा से आ जब कालिंदा भिक्षा का नाम सुन लिए बाबू साधु बाबा का अवजिया सुन के घरवा में गई हम घरवा में से बाहर ही निकल थी तब कैसे निकल ली हम ले हाली कालिंदा भरी के राशन की डलरिया हो पुजरिया निरखेना हो पुजरिया निरखेना गाती रस्मा
राशन जौना के दिहात में कहल जाला दौरी या मौनी, डॉलर भर के राशन कलिंदा लेके आवत बड़ी। आ जब बहरे अइलिन हाँ तो साधु के मनवा में कुछ अलगे से उद्गार उठता कि कितना सुगर लईकी बिया, कितना ठीक बिया। भिक्षा लेहले से पहले ओ लईकिया से एक ठे बात कहलन, का कहे हथवा देखावा बेटी यही हो पहरिया हो पुजरिया निरखेना, हे पुजरिया निरखेना। देखब किस्मत के लकीरिया हो पुजरिया निरखेना, देखब किस्मत के सरे बेटी मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूं, तुम्हारे किस्मत में क्या है मैं देखते ही सब कुछ बता दूंगा। ए बाबू तबले लईकिया कमाई बाबू आएगी ना, का बाबा का बाबा कहा कहला है इस बच्ची का, मैं हाथ देखना चाहता हूं। साधु बाबा कहत हूं इस बच्ची का मैं हाथ देखना चाहता हूं और देखते ही बता दूंगा कि इस बच्ची के किस्मत में क्या है। ए बाबू मेहरारू जात का जनते बड़ी अंधविश्वास पे बड़ा ही विश्वास करे ली हूं। माई बैठल भी अजरिये कहती है कि बाबा बाबा हमारे लड़की सयान हो गई बा, बाबा तनी देखी हथवा कि हमारे लड़की का हाथ कहिया पीला हुई, हमारे लड़की के किस्मत में का लिखल बा। बाबा तो यह सोचते रहलो कब हथवा आगे बढ़ो, कब हाथ है आगे बढ़े, कब हम धरी, कब करंट धरे। साधु बाबा हाथ धोई लिहलो आ हथवा धोई के देखत हूं कि लकीरिया तो टेढ़िया गइल बा। एक बार हेने से देखत हूं, एक बार हेने से देखत हूं, एक बार हे तरह को के देखत हूं। साधु बाबा के दिमाग में कुछ और ही चलत हम। ए भैया बिरहा में गीत चेंज हो गई, पपिहारा हरी का बोल जानी बोला, मन में लगावे घात मन में लगावे। उ साधु बाबा मन में मन सोचत हूं कि ये लईकिया के हम का कही कि कुछ हमरो बात रही जाओ, हमरो बात कुछ रह जाए आगे बढ़ जाओ।
साधु बाबा के तम मनवा में ई बा। साधु बाबा यह सोच के एक ठे बात कहलन, लइकिया का हाथ देखत हुआ या कहत हुआ का कहलन। अरे राक्षसी के भेष में ही जन्मली कुमरिया, आप पूरा परिवार खाई बोलते ही घरिया। पुजरिया घात मन में लगावे, धीरे धीरे उ जब बोले लगल तैयारी बगले से दो चार लोग का और भीड़ लग गई। आ जब दो चार लोगन का भीड़ लगल ए बाबू तयौरी लोगन के पता चलल सगरी गांव का इकट्ठा हो गईलन। जब पूरा गांव का लोग इकट्ठा भइलन ता सधुइया कॉलेज की देखबा लोग ई लड़की का जन्म राक्षसी भइल बा। यदि एकर कोनो उपाय लोग ना खोजबा तई घर भरे का लड़की खा डरी। पहले तो एकर घर भर मुँह से, आ जब घरवा भर मुँह जइह से तो धीरे धीरे गाँव में फैले लगी। गाँव का लोग धीरे 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 सब मरे लगी। यहाँ का गौवा पूरा साफ हो जाई। ए भैया आखिर में भइल का बिरहा में एगो तरज लगल। छोट घड़ी लवा मुहावा पाता रहो पनिया बहुत भरा ला। हमारी ससुईया माहा राजी न हो, माहा राजी न हो पनिया हमसे भरावे। हमारी ससुईया माहा अपने एने गाजीपुर होखे चाहे आजमगढ़ होखे चाहे जौनपुर होखे चाहे बस्ती जिला होखे मुखिया के एने प्रधान जी कहल जाला। ए बाबू जब द्वारा पे प्रधान जी अलन तो भइल का द्वारा पे अलन पारा धान कहे हो पारा धान कहे हो साया तान बचनिया। द्वारा पे क्या बात है साया तान बचनिया साया तान बचनिया। द्वारा पे अइला पारा धान कहे हो पारा धान कहे हो सा
बचनिया हम बताइबे कैली हूँ कि एक राक्षसी जन्म भइल बा। प्रधान जी कहत हूँ तो एक उपाय कौन बा? प्रधान जी से उस साधु उपाय बतावे। कौन उपाय बतावे? लकड़ी का पेटी एक सुघर बनावाई, नदी में बहल हा सिरी माना हो सिरी माना हो सया तान बचनिया सधुआ बताओ तो कलश के देखा एकर उपाय कैठे बा। कलन कमन उपाय बा? कलन लकड़ी लेके आवा आ खूब ओके गोड़ बनाई के खूब सुघर का पेटी बनवा दा लकड़ी का, जगह बढ़िया से रहे आ खूब सुघर पेटी बनवा के ऐसन बनवैया कि उमे पानी न हले। कलन तब कलन की वही लकड़िया के पेटिया में ए लड़किया के रख के आ ऊपरा से एगो होल करवा दी है। होल मतलब छेद करवा दी है। काम भर छेद करवा दिया कि हवा पास होखे आ वही लकड़िया वाले पेटिया में धोय के आ बगलिया वाले नदिया में ले जाए के परवाह को दिया। सोचे लगलन लोग यहां बिरहा के शैली में बतावे के पड़ल। अरे सजाया मन में कोरी कल्पना, अरे किया प्रस्थान वहां से जालिम जाल बिछाया। ए भैया लोग कहलन ठीक बा साधु बाबा, कौनो बात नहीं है, गांव का सवाल बा। ये गांव में बहुत लोग हमन बारी बारी से सब कोई मर जाए तो आखिर में गौवे सुन हो जाई ना, जैसे रउरा आदेश करतनी वैसे ही पालन हुई सरकार। इतना बतिया जब सधुया सुनलस ना हाय 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 काम तल ही गया आ तल लगत चानी कटी रजा। मनवा मन सोचा था वहां से निकलल चलवन से कलश के चला, अब घूम के चल चला, अब मंगले का जरूरत नहीं है, अब बहने या परसों चलल जाई भिक्षा मांगे तबले बड़ा थकहरी लग गई बा। ए भैया साधु वहां से चल दिहल, आ जब साधु चल दिहल तो देखी यहाँ पहपट के अंदाज में बतावे के पड़ल। मुखिया मन में कैल अटल विचार सार के बतिया पर, अरे सबक सिखाई सोच तब उस बार सार के बतिया पर।
भर लेहलन आया और लड़की का मतारी लगल रोवे कि अरे बाप रे बाप अब हम का करी। साधु और चल गईलन मुखिया जी बुलाए के लड़की के माई बाबू के समझाओ थून कि देखा तोरे लोग निराश मत होखा। गांव को दो चार आदमी के हट्ठा कट्ठा लवंडन के बुलाए के प्रधान जी कलन की बबुआ जाए के जोन और जंगलवा में जोन खूब सबसे बिगड़ेल बानर होखे वो बनरा के एक ठे काम करा लो। मुखिया जी बताओ थून का बताओ। अरे जंगल से बिगड़ेल एक बंदर मुखिया मंगवाए हो। अरे पेटी अंदर उस बानर को तुरंत पैक करवाए हो। अरे पावाए सरिता के बीच मजधार सार के बतिया पर। अरे नदी तीर निरेख साधु गद्दार सार के बतिया पर। आज देखी दो चार लैकन के तैयार करके वही जंगल से खूब बिगड़ेल बानर मुखिया जी मंगवाई के आ खूब सुघर पेटी बनवाई के आ जैसे वो साधु जी कहले रहल वही तरह खूब बढ़िया से होल करवाई के आ वही पेटिया में वो बनरा के रख के आ जहाँ लैकिया के परवाह करे के कहले रहल वही जल ले जाए के वो पेटिया छोड़ दिहलन लोग। आ जब पेटिया पनिया में छोड़लन ए बाबू तो हर साधु के मन में तो कुछ औरी बा कि आज कल आज का डेट हम देहले हैं आज वो कुल ले आए के छोड़ी। हाँ ए भैया मनवे मन साधु सोचत हुआ नीला यहाँ अल्लाह के लाइन में प्रमाण मिलल। पेटी के देखलस तो बड़ा खुश भइल कि आज हमरे मन का मुराद तो पूरा हो जाई। पेटिया उठाई के आ ले जाए के चुपे चोरी ओई मंदिरवा में धा दिहलस। आज जब मंदिरवा में धैलस तब अरे आइल तो अपने चेलवन के बोला के कहलस कि देखा चेला लो देखा चेला सो आज रात में चेलवा कुल कहला आज रात में कलन की हाँ आज रात हमार जिंदगी का सबसे सुघर रात हो सबसे सुहानी रात हो। कलन ए गुरुजी ऊ कैसन कलन की आज हमारे तपस्या का फल मिले वाला है। कलन तपस्या का फल तब उस सदोइया अपने चलवन से बतावे का बतावे बारह बजे रात के रारी हमसे मिली है ये बाबू दर्शन देखाई हाँ हमके कृष्ण भगवान
जिंदगी का सबसे सुहानी रात हो। 12 बजे भगवान कृष्ण हमके दर्शन दिया, और वही 12 बजे रात के समय में एगो काम करिहा, जितना हमार चेला हुआ कुल वही मंदिरे के बहरे चल के एक डंडा ले लिया सा, आ थरिया ले लिया सा, आ थरिया खूब बजिहा सा, इतना थरिया बजिहा, इतना थरिया बजिहा कि जब हमार और भगवान के बीच में बात होके तो हमनी का आवाज बहरा ना सुनाई देवे। चलवा कवन ठीक बा गुरुजी, कोनो बात नहीं बा। ए बाबू तो भइल का रतिया के पेटी खोला नीचे भ्रष्टाचारी आया पंचो बहरी खूब बजैया। अब बजौले में कोताही मत करिया सो, खूब कस कस के बजैया सो। ए बाबू 11 बजे रातिए का लगा दियलन साधु बाबा, कलन 12 बजत बजत हमार भगवान से वार्तालाप होखी, हमनी के वार्तालाप में कोई आवाज न सुन पावे। ए भैया चेला ले लियलो सो थरिया या बजावत हुओ सो, अंदर से साधु बाबा सिटकिनी मार के खूब बढ़िया से सेंट ओंट छिरी के लगलन दे है इठे, लगलन दम मारे कलन है रजा, आज तो हमारे मन का श्रद्धा पूरा हो जाई। ए बाबू मन का लड्डू मनवे में फूटा था साधु बाबा के, पेटिया में ताला मारल बा, वो तलवा के का कोई ना हथौड़ा लेके तूर दिहल हूँ, आ जब हथौड़ा लेके पेटिया के तूरत हुआ एगो चेला के कान में आवाज गई दूसर के से कल बस करा बउरी तेज से बजाव सो, अब लगा था कि भगवान आ गई लो, अब गुरुजी से बात होई। ए बेरा तो गुरुजी के बतिया ले द, आ सुबेरे का हमनियो का हाल चाल पूछे के। ए भैया चेला तब अरे लगल हुआ, जाओ गुरुजी पेटी भीतर खोलना हूँ, साधु बाबा जो पेटिया भीतर खोल ने बाबू उ तो बिगड़ेल बानर रहवे कइल, पेटिया खोलता बनरा आग बबूला हो गई, लगल झपट झपट के धरे आउ भागे तो कौने ओर भागे, बानर मौका ना दे था कि सीट की नहीं खुले, यार साधु बाबा परेशान हो बानर एकदम आग बबूला, उ झापट उ नखून से धई के नोचे विशाल भैया, बानर इतना खुखार रहे ना कि कोनो ओर से जाते तनी तनी से ही तरको के धाई के मारे झपट्टा, फिर तनी से कोनो ओर से खजवा के फिर धाई के मारे झपट्टा, मौका पावे तो खोदबो करे बाबा के। ए भैया या तना मरलो से तना मरलो से तना ना खून लागल, अब बंदर ये तना कटलोस कि साधु बाबा लहू लुहान हो गइलन। ए भैया आज देखिए साधु बाबा का ई हिम्मत नहीं होता कि जाई के हम सीट की निया खोल दें, यार भाई का खड़ी के अंदाज में बतावे के पड़ल भैया। अरे चलवा
करत हूँ मन में सोचत हूँ उनका। अरे सोचे चेला गुरुजी से हमरे मिली है दीनानाथ हो, अरे सुबह मिलल मंदिर में गुरुजी के लाश हो। आज पूरा अजोरिया थिरक गईल, कुल चेला सोचे लगलन कि आए अब तो कोनो आवाज नहीं खे अब लगत गुरु जी मिल भइल हो। यहाँ एगो काम करल जाए, आज चल के पूछल जाए गुरु जी से, भगवान से भेंट भइल तो भगवान जी का कहलन हो। ए बाबू दरवाजा ठोकत हुआ लेकिन केहू खोले वाला नहीं बा, केहू तरह चेला कुल मिल के दरवाजा तोड़लन हो। आ जब कुल चेला मिल के दरवाजा तोड़लन तो देखत हुन कि साधु बाबा खून से लथपथ शरीर, ओई में से एगो बानर झुरिया झार भागल बा। ए बाबू कुल सोच गइलन तो जिसकी जैसी करनी उसकी वैसी भरनी। यहाँ गुर घराने का परिचय दिहल गई, गुरु गणेश गुरु रामलाल चंद्रिका स्वर्ग के वासी, अरे राम निवास कवि निरुदीन जपते बोला